दोस्तों, टाइम ट्रेवल के पार्ट वन में हम लोगों ने जाना कि टाइम ट्रेवल होता क्या है और हम किस तरह से टाइम का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, और हम लोगों ने ये भी जाना कि किस तरह से मक्खी का टाइम हमारे टाइम से फास्ट होता है। तो चलिए पार्ट वन को कंटिन्यू करते हैं, और जिन लोगों ने पार्ट वन को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाइए पार्ट वन को देख के आइए, तो ही आप पार्ट टू को समझ पाओगे। टाइम की डेफिनेशन दुनिया के अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे एक मक्खी का समय हमसे बहुत फास्ट गति से चलता है क्योंकि उसकी मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा एक घंटा उसके एक साल जितना लग सकता है। हमारे एक घंटे में वो अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है, और हम उसकी फास्ट मूवमेंट के कारण उसे पकड़ भी नहीं पाते क्योंकि हमारे मूवमेंट उसके मूवमेंट के आगे बहुत धीमी है। एक मक्खी का जीवन बहुत ही कम यानी कि कुछ ही दिनों का होता है, इसलिए उसे ये लगेगा कि समय बहुत ही धीमी रफ्तार से बह रहा है, और वो समय की हमारी परिभाषा से कभी एग्री ही नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया के मूवमेंट बहुत ही स्लो है। वहीं एक कछुआ की मूवमेंट हमसे बहुत ही धीमी रहती है, इसलिए वो 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरह से सभी जीवों की अंदरूनी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर उनका जीवन काल होता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि समय हर ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की मूवमेंट पर आधारित है, और ये बात पता नहीं कैसे है लेकिन हमारे पुरखे भी जानते हैं। इसलिए कई ग्रंथ कथाओं में देवताओं के समय को हमारे समय से अलग बताया गया है, और ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे चार युगों के बराबर बताया गया है। और ये माइथोलॉजी हर एक संप्रदाय में हो सकती है, लेकिन सच बात तो ये है कि समय की इस इल्यूजन को विज्ञान भी साबित कर चुका है। जब हम भूतकाल या इतिहास के बारे में सोचते हैं, तब आपने सोचा है कि हम क्या सोचते हैं? तब हम वास्तव में समय के बारे में नहीं बल्कि बदलाव के बारे में सोचते हैं, और बदलाव चीजों के मूवमेंट की वजह से होता है, और चीजें ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर या क्वांटम फोर्स की वजह से मूव करती है। यही मूवमेंट बदलाव लाता है, और ये बदलाव हमें समय की अनुभूति करवाता है। हमें समय सिर्फ घड़ी से ही नहीं दिखती क्योंकि घड़ी तो हमारा ही आविष्कार है, पर जब घड़ी नहीं थी तब हमारे पुरखे सूर्य या चंद्रमा के मूवमेंट के द्वारा समय को नापते थे। हम इस तरह से किसी और चीज की मदद से भी समय का पता लगा सकते हैं। अगर सर आइंस्टाइन की थ्योरी की बात करें तो उनकी थ्योरी ये कहती है कि समय सापेक्ष है, वो स्लो या फास्ट हो सकता है। टाइम ही फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथा आयाम है, और हम समय में यात्रा भी कर सकते हैं। सर आइंस्टाइन की थ्योरी को मैं आपको बहुत ही सरलता से उदाहरण देकर समझाऊंगा, पर उससे पहले आप ये जान ले कि सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी भी स्पीड से यात्रा करेंगे हमारे लिए समय उतनी ही धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99.99% चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी को आप पृथ्वी के घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से मूव होने वाले स्पेसक्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में करीब 3 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जब वो वापस आएगा तो पूरे 200 साल बीत चुके होंगे, यानी वो जिन इंसानों को पृथ्वी पे छोड़ के गया होगा वो अब इस दुनिया में ही नहीं होंगे, और वो अपनी 7वीं या 8वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये सब होता है टाइम डायलेशन के कारण। ये टाइम डायलेशन ही कारण है जो कि हमारे हाई स्पीड से मूव हो रहे सैटेलाइट में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को भी कुछ नैनो सेकेंड धीमी कर देता है, जिसे हमेशा कुछ टाइम के बाद पृथ्वी के क्लॉक से मिलाना पड़ता है। ये टाइम डायलेशन हमारे एटॉमिक क्लॉक को भले ही कुछ नैनो सेकंड का ही फर्क क्यों ना पैदा करता हो, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि हम भविष्य में टाइम डायलेशन की मदद से समय यात्रा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए भविष्य में समय यात्रा करना बिल्कुल संभव है, पर अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड के आसपास भी जा सके। पर जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जल्द ही भविष्य में यात्रा करने के सक्षम हो पाएंगे।
तो टाइम ट्रेवल की ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और इसी तरह से आप लोगों को मिस्टीरियस वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप लोगों को मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो ये दो वीडियो देख सकते हैं जो कि पूरा मिस्ट्री से भरा हुआ है।